हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको NPCI लिंक करने के प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि गवर्नमेंट ने NPCI का जो वेबसाइट था उस पर 5 बैंकों का जो आधार लिंक करने का प्रोसेस है उसे जारी कर दिया है, उसे लाइव कर दिया है। जैसे कि NPCI की वेबसाइट पर आप आधार को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। 5 बैंक हैं जिनका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक और कर्नाटका ग्रामीण बैंक। इन 5 बैंकों में आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से आधार को लिंक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए 5 ही यहां पर अवेलेबल हैं। आने वाले समय में जितने भी बैंक्स हैं वो यहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसको लिंक करने के पूरा कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हमने बताया है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां पर आने के बाद आपको कंज्यूमर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे बहुत से ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि UPI कंप्लेंट, अदर प्रोडक्ट्स कंप्लेंट। इस तरीके से यहाँ पर आपकी सर्विसेज आ जाती हैं। यहाँ पर एक लास्ट में भारत आधार सीडिंग इनेबलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है सही वाला, वो सीजन एक्सपायर्ड का है। यहाँ पर आपको 7 से 8 मिनट दिए जाते हैं, आपका कंप्लीट काम होना है इतने टाइम में। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर देना है, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर हो उसे फिल करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है सीडिंग और डी सीडिंग। यहाँ पर सीडिंग का मतलब है अपने आधार कार्ड को आप बैंक से लिंक करना चाहते हैं, और डी सीडिंग का मतलब होता है कि लिंक हुए आधार कार्ड को यहाँ से हटाना चाहते हैं। तो हम यहाँ सीडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके जो भी बैंक है उसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अभी 5 बैंक अवेलेबल है और आने वाले समय में जितनी भी बैंक्स होंगी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। प्रेस सीडिंग का मतलब ये होता है कि पहली बार अगर आप यहाँ पर इसको लिंक करते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। दूसरे नंबर पर आपको बताया जाता है कि इसी बैंक में अगर दूसरा अकाउंट ओपन है तो उस कंडीशन में आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर बताया जाता है कि अगर दूसरे बैंक में आपका अकाउंट ओपन है और उसमें आधार आपका लिंक है तो यहाँ पर आपको उसको सेलेक्ट करके बताना है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट सीडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ अकाउंट नंबर आपको फिल कर देना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर हो। उसके बाद में कंफर्म आपको अकाउंट नंबर फिल कर देना है। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर दोनों टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद ये कैप्चर आपको इसमें फिल कर देना है। फिल करने के बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप देखेंगे आपके सामने टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन आ जाता है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन देख रहे होंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक 1-time पासवर्ड जाएगा, जिसे कि हम OTP कहते हैं, उसे यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो आधार कार्ड है वो पहले से ही किसी दूसरी बैंक अकाउंट में लिंक है, तो यहाँ पर आपको बताया जाता है। अगर यहाँ पर दूसरी बैंक अकाउंट में लिंक नहीं होता तो यहाँ पर आपके सामने सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाता और आपकी जो बैंक में आधार कार्ड वो लिंक हो जाता। यहाँ पर आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपकी जो भी बैंक होगी उसमें आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा पहले से ही लिंक है तो यहाँ पर नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा है। आपका अगर लिंक नहीं होता तो यहाँ पर सफलतापूर्वक लिंक होने का जो मैसेज है वो शो हो जाता। तो इस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से अपना जो भी बैंक अकाउंट है उसमें आधार को लिंक कर सकते हैं। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास डायरेक्टली पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।